ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। पिछले अध्याय में हमने आपको हिंदी में मेल करना बताया था। अब हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी और लैंग्वेज में भी मेल कर सकते हैं। उसके लिए जैसा हमने आपको पहले बताया था, सबसे पहले कंपोज में जाएं और जैसा आपको बताया था यहाँ पर आप डाल दें जिसको भेजना है उसका आईडी, सब्जेक्ट डाल दें। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप सब्जेक्ट हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से हिंदी लैंग्वेज चुन करके और यहाँ पर सब्जेक्ट आप हिंदी में लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अब हमको हमारा मैसेज लिखना है, पर उसके लिए पहले हमको लैंग्वेज चूज़ करना है जिसमें हम मैसेज लिखना चाहते हैं। ये इस एरो पर आप क्लिक करें। ये हिंदी का ऑप्शन तो ऑलरेडी होता है। दूसरी लैंग्वेज चुनने के लिए इनपुट टूल सेटिंग पर जाकर के हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हिंदी ऑलरेडी है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे बाकी की बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। ये देखिए इसमें बहुत सारी गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, ये सब आपको मिल जाएंगी। अब इसमें से जो भी आपको चुनना हो, मान लीजिए हम गुजराती चुनना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको अब यहाँ पर हमको सिलेक्टेड इनपुट टूल्स में लेना है, तो उसके लिए जो राइट की तरफ वाला एरो है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए गुजराती ऑप्शन यहाँ पर आ गया। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो ये आपको ओके का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दें। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर हमको मैसेज करना है, इधर आ जाएं, एरो पर जाकर के ये गुजराती चुन लेंगे और अब यहाँ पर हम मैसेज टाइप करना शुरू करेंगे। मान लीजिए हमको मैसेज टाइप करना है, मोटा भाई केम छो। तो ये देखिए गुजराती में आपका मैसेज टाइप हो गया। इस तरह से आपको अगर और कोई लैंग्वेजेस भी ऐड करना हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐड करना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए वापस हम यहाँ इनपुट टूल सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे गुजराती हमने ऐड कर रखी है, अब और कोई दूसरी लैंग्वेज हमको ऐड करना है, मान लीजिए जर्मन हमको ऐड करना है, तो ये जर्मन पर क्लिक करेंगे और वापस राइट वर्ड जो एरो है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जर्मन यहाँ पर आ गई। और अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट करें और इसके बाद ये जो लेफ्ट वर्ड एरो है इस पर जाकर क्लिक कर दें। अगर आपने कोई और लैंग्वेज ऐड की हो या रिमूव की हो तो उसके लिए उसको सेव करना ज़रूरी है और उसके लिए ओके पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर ये देखिए जो आपको प्रायोरिटी पर अभी हिंदी नज़र आ रही है, अब अगर हमको प्रायोरिटी पे गुजराती लाना हो कि जब भी हम टाइप करें तो पहले गुजराती आए, तो इसको ऊपर अगर आपको करना है तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करके और अपवर्ड जो की है उसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए अब गुजराती ऊपर आ गई। अब ये जो हमने चेंज किया है इसको सेव करने के लिए ओके कर दें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गुजराती आपका प्रायोरिटी में आ गया है। अब आप जब भी मैसेज टाइप करेंगे तो वो पहले गुजराती में आएगा और बाद में अगर हिंदी चाहिए तो पहले आपको फिर हिंदी चूज़ करना होगा और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके सिस्टम पर हो सकता है कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपको इनपुट टूल्स का वो न मिले। ये देखिए यहाँ से हमने उस टूल को हटा दिया है तो हो सकता है कि इस तरह की स्क्रीन आपके सिस्टम पर दिखाई दे जिसमें कि वो इनपुट टूल्स ना हों। ऐसे में उसको कैसे लाया जाए ये हम आपको बताते हैं। उसके लिए ये राइट हैंड साइड टॉप में आपको ये यहाँ पर जो फ्लावर जैसा दिख रहा है इसके पास में जो डाउनवर्ड एरो है उस पर क्लिक करें और यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स पर। सेटिंग्स में जनरल में आपको जीमेल डिस्प्ले लैंग्वेज ये ऑप्शन मिलता है जिसमें दूसरा है शो ऑल लैंग्वेज ऑप्शंस, तो आप इस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने से इनेबल इनपुट टूल्स ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको टिक कर दें। ये देखिए यहाँ पर वो टूल्स आ गए हैं, ये सारे के सारे इनपुट टूल्स हैं और ये वो इनपुट टूल्स हैं जो हमने पहले सिलेक्ट किए थे हिंदी और गुजराती। आप इसमें से और कोई दूसरे टूल्स भी अगर यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यदि आपने यहाँ पर कोई चेंजेस किए हों तो ओके क्लिक कर दें।
नहीं तो इसे कैंसिल करके यहाँ से बाहर आ जाएं। अब इसके बाद यहाँ से हम ये नीचे जाएंगे, पूरा जब नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है सेव चेंजेस, तो हमने जो चेंज किया है उसको सेव करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। अब वापस हम ड्राफ्ट्स में जाकर देखेंगे, ये मैसेज था अब इधर आए तो ये देखिए ये वाला इनपुट टूल्स का ऑप्शन वापस से आ गया है। तो अगर कभी आपकी स्क्रीन पर ये ऑप्शन ना दिखे तो इस तरह से आप उसे ऑन कर सकते हैं।